सभी व्यूअर्स को सुरेश स्वदेशी का नमस्कार। आज का वीडियो जो है वो क्लास सेवेंथ हमारा राजस्थान बुक के चैप्टर वन फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड इट्स कंजर्वेशन पर बेस्ड है। तो इसमें जो है वनों का महत्व, फॉरेस्ट यानी वन, वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव और इनका कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण के ऊपर आधारित है। इसमें किस तरीके से फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया गया है, कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ है राजस्थान में और इनका संरक्षण के लिए राजस्थान के द्वारा क्या परंपराएं आयोजित की जाती रही हैं प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में, उन सभी के बारे में कुछ फैक्ट्स यहाँ दिए हुए हैं जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट आर सिग्निफिकेंट फॉर द शेल्टर ऑफ बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। फॉरेस्ट जो है वो बर्ड्स और वाइल्ड एनिमल्स के शेल्टर अर्थात उनके घरों के रूप में काम करते हैं, वो उनका घर होते हैं। A variety types of animals, birds, trees and plants are found in these forests. विविध प्रकार के पेड़ पक्षी, वन्य जीव, पेड़ पौधे जो हैं यहाँ इन वनों में, इन जंगलों में पाए जाते हैं। Significance of forest, वन का महत्व क्या है, क्यों हमें इनके संरक्षण की बात करनी चाहिए। तो जैसे ऊपर की दो लाइनों में हमने देखा, लाइन्स में देखा कि ये जो है वाइल्ड लाइफ और बर्ड्स के लिए तो जो है प्रोटेक्शन और उनके हाउस की तरह काम करते हैं, उनके घर की तरह करते हैं, उन्हें शरण देते हैं, तो वो तो है ही। उसके अलावा भी क्या महत्व है देख लेते हैं। फॉरेस्ट आर वैल्यूएबल गिफ्ट्स प्रोवाइडेड बाय नेचर। फॉरेस्ट प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे बहुत ही कीमती बहुमूल्य जो है उपहार है हम लोगों के लिए। ट्रीज एंड प्लांट्स गिव अस प्योर एयर एंड ऑल्सो हेल्प इन रेनफॉल। ट्रीज और प्लांट जो है वो हमको प्योर एयर मीन्स ऑक्सीजन तो दे ही रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट ये रेनफॉल को भी अट्रैक्ट करते हैं, बारिश भी इनकी तरह इनकी वजह से अच्छी होती है। दे प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ। इसके अलावा वो वाइल्ड लाइफ को शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं, वन्य जीवों को जो है शरण देते हैं। फॉरेस्ट अलोंग विद नेचुरल ब्यूटी मेक द क्लाइमेट इक्वेबल। फॉरेस्ट की वजह से ही पृथ्वी की जो सुंदरता बढ़ी हुई है। इसके अलावा जलवायु को संतुलित रखने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। फॉरेस्ट आर गुड सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। इसके अलावा फॉरेस्ट जो है लाइवलीहुड मीन्स आजीविका का भी स्रोत होते हैं। द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इज डिराइव फ्रॉम इट्स प्रोडक्ट्स। अब हम बात करें कि जो आर्थिक महत्व है वनों का वो क्या हो सकता है। तो यहाँ से जो फॉरेस्ट से जो प्रोडक्ट्स लिए जाते हैं, डिराइव किए जाते हैं, बहुत प्रकार के प्रोडक्ट्स यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि टिम्बर फ्यूल वुड जलाने की लकड़ी, बैम्बू, तेंदू लीव, खस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान जो है हमें मिलती है और इन्हीं की वजह से जो है इसकी इकोनॉमिक वैल्यू निकलती है। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। अब राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में किस प्रकार के जो है वन पाए जाते हैं उन्हीं के बारे में यहाँ थोड़ी सी जानकारी है। अबाउट 10% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ राजस्थान इज कवर्ड विद द फॉरेस्ट। राजस्थान में वन बहुत कम है। जो भारत सरकार की जो नीति है और उसके अनुसार 33% हिस्से पे वन होने चाहिए, जबकि उसकी तुलना में हमारे यहाँ पर केवल 10% कुल क्षेत्रफल के 10% भाग पर ही वन है। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर व्हाइल द लीस्ट कवरेज इज फाउंड इन चूरू डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान की बात करें तो उदयपुर में सर्वाधिक जो है वनावरण पाया जाता है, जबकि चूरू जिले में सबसे कम पाया जाता है। फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। राजस्थान में वनों को तीन भागों में बांटा जाता है या बांटा जा सकता है। ये तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं? रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लासीफाइड फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट की बात करते हैं सबसे पहले, आरक्षित वन। रिजर्व मीन्स आरक्षित वन। दीज फॉरेस्ट आर अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। ये जो फॉरेस्ट हैं ये सरकार के नियंत्रण में रहते हैं। दे आर इन्वायरमेंटली इम्पोर्टेंट, hence cutting of trees and grazing of animal is strictly banned here. ये वन जो है वो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए यहाँ पर पेड़ों को काटना और पशु चारण करना अर्थात पशुओं को चराना बिल्कुल वर्जित होता है, मना होता है। This type of forest occupies more than 1/3 of the total forest area. राजस्थान का जो total forest area है उसके 1/3 part पे अर्थात लगभग 33% हिस्से पे रिजर्व फॉरेस्ट हैं। दूसरी जो कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी, दैट इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अर्थात संरक्षित वन।
These forests are also under government control, but under certain regulations, permission is given for cutting trees and animal grazing here. इन पर भी सरकार का नियंत्रण रहता है, लेकिन कुछ शर्तों के तहत, कुछ नियमों के तहत जो है, यहाँ पर पेड़ काटने की और पशु चारण करने की अनुमति प्रदान की जाती है. These type of forests cover more than half of the total forest area. राजस्थान के कुल वन जो क्षेत्र है, उसका आधा पोर्शन, उसका हाफ पोर्शन लगभग इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के द्वारा कवर किया जाता है. थर्ड कैटेगरी इज अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट. इन दीज फॉरेस्ट नो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन अप्लाइज फॉर कटिंग ऑफ ट्रीज एंड एनिमल ग्रेजिंग. ये वो फॉरेस्ट है जहां पर किसी भी प्रकार का जो है नियंत्रण सरकार के द्वारा पेड़ काटने और पशु चारण करने पर नहीं लगाया जाता. ए वर्गीकृत वन, इनको हिंदी में कहा जाता है ए वर्गीकृत. जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट. अगर जो वन है राजस्थान के, उनका अगर हम भौगोलिक वर्गीकरण करते हैं, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वो कैसे होगा? द अरावली रेंज डिवाइड्स द स्टेट ऑफ राजस्थान इनटू टू पार्ट्स. अरावली जो पर्वतमाला है, वो राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ राजस्थान को लगभग दो भागों में डिवाइड करती है. टोपोग्राफी, क्लाइमेट, रेनफॉल एंड टाइप ऑफ सोइल आर द मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग वेजिटेशन. राजस्थान में जो वनस्पति को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक हैं, उनमें जो है यहाँ का भौगोलिक क्षेत्रफल अर्थात जो संरचना है भूसंरचना, क्लाइमेट अर्थात जलवायु, रेनफॉल वर्षा और मिट्टी का प्रकार टाइप ऑफ सोइल जो है, ये मेजर फैक्टर्स हैं जो राजस्थान की वनस्पति को प्रभावित करते हैं. जियोग्राफिकली थ्री टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन राजस्थान. अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो राजस्थान में तीन प्रकार के वन पाए जाते हैं. फर्स्ट ट्रॉपिकल थोर्नी फॉरेस्ट अर्थात उष्णकटिबंधीय कटीले वन. दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान. यहाँ पर एंड नहीं है, सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान. ये जो वन है ये राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं. दे आर फाउंड इन बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बारमेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू एंड जालोर डिस्ट्रिक्ट्स. तो ये इस प्रकार के वन इन जिलों में पाए जाते हैं. थोर्नी ट्रीज एंड श्रब्स आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट. इन वनों में जो है कांटेदार पेड़ और झाड़ियाँ पाई जाती हैं. द मेन ट्रीज हियर आर, यहाँ जो वन पाए जाते हैं, सॉरी यहाँ पर जो ट्रीज पाए जाते हैं वो हैं रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकरा, बेर, बबूल, कैव, नीम एटसेट्रा. दिस डेजर्ट वेजिटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड जेरोफाइट्स. ये जो रेगिस्तानी जो वनस्पति है इन्हें जेरोफाइट्स भी कहा जाता है. यहाँ पर आप ये देख रहे हैं रेगिस्तान इसी तरीके से वनस्पति भी ही नहीं रहता है, बहुत कम वनस्पति वेजिटेशन यहाँ पर पाया जाता है. ये खेजड़ी का पेड़ है जो आप देख पा रहे हैं, ये राजस्थान का स्टेट ट्री भी है खेजड़ी. राजस्थान का राज्य वृक्ष या स्टेट ट्री खेजड़ी. ये जो वन है जो हम ट्रॉपिकल जो है थोर्नी फॉरेस्ट की बात कर रहे थे, तो इनकी विशेषताएं क्या है? हेयर टेम्परेचर इज हाई एंड रेनफॉल इज लो. ये उन क्षेत्रों में है जहां पर टेम्परेचर बहुत ऊंचा होता है और रेनफॉल बहुत कम हो पाती है. इन दिस एरिया देयर इज लेस इवेपोरेशन एज द लीव्स ऑफ द ट्रीज आर स्मॉल. यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है यहाँ से इनमें इवापोरेशन अर्थात वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है बहुत कम हो पाती है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन जो पौधे करते हैं अपनी पत्तियों से जो पानी छोड़ते हैं बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ जो पेड़ पौधे उगते हैं उनकी लीव जो है बहुत ही स्मॉल साइज की होती है. जैसा कि आप खेजड़ी में भी देखते हैं या बबूल में देखते हैं, इनकी जो वनस्पति इनकी लीव्स होती है बहुत छोटी होती है. द रूट्स पेनिट्रेट डीप अंडर द ग्राउंड टू गेट वाटर. और इन पौधों की, इन प्लांट्स और ट्रीज की जो ट्री रूट्स होती है वो वाटर के चक्कर में बहुत डीप तक चली जाती है. खेजड़ी इज ए मल्टी यूजफुल ट्री, जो कि हमारा स्टेट ट्री है. ये बहुत ही बहु उपयोगी पेड़ है, मल्टी यूजफुल ट्री. इट इज ऑल्सो कॉल्ड कल्प वृक्ष ऑफ राजस्थान. खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है. कल्प वृक्ष एक पुराने समय का, प्राचीन समय से एक वृक्ष है जिसका ये मान्यता है कि उससे जो भी हम मांगते हैं हमारी सारी इच्छाएं वो पूरी कर देता है. कल्पनाएं हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाला वृक्ष है. तो खेजड़ी सच में ही राजस्थान के निवासियों के लिए कल्प वृक्ष का ही कार्य करता है.
दिस इज ऑल्सो द स्टेट ट्री. रोहिड़ा इज द स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान. रोहिड़ा जो है राजस्थान का राज्य पुष्प है, स्टेट फ्लावर. सेवन इज एक्सट्रीमली न्यूट्रिशियस ग्रास विच इज फाउंड इन जैसलमेर. जबकि सेवन घास जो है वो जैसलमेर में जो एक पट्टी है उसी में उगती है और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस ग्रास है, पोषक या पौष्टिक जो घास है. सेकेंड टाइप ऑफ फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडुअस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल ड्राई शुष्क जो है डेसीडुअस फॉरेस्ट है, पतझड़ी वन. ये आप जो पिक्चर इमेज देख रहे हैं ये रोहिड़ा की है जो कि हमारा स्टेट फ्लावर है, उसका ये फूल है. जो ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडुअस फॉरेस्ट है दीज फॉरेस्ट आर ओल्ड मॉनसून फॉरेस्ट. इनको मॉनसूनी वन भी कहा जाता है. दे आर फाउंड मेनली इन बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी एंड टोंक डिस्ट्रिक्ट्स. ट्रीज अब यहाँ जो मेनली जो ट्रीज पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, तो इनमें टीक, सागवान, बनियान जो बरगद, मैंगो, तेंदू, सालर, महुआ, गुल, धोंक, धाल, साल, कस्टर्ड एप्पल, बैम्बू, इंडियन गूजबेरी, नीम एंड इंडियन रोजवुड. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज हैं जो इन जो फॉरेस्ट है मानसून फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट है, उनमें पाए जाते हैं. मोस्ट ऑफ द वुड इज स्टर्डी ऑफ दीज फॉरेस्ट. इन वनों में जो लकड़ी पाई जाती है वो काफी सख्त होती है. द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग समर सीजन. ये जो वन है ये इन यहाँ जो पेड़ पाए जाते हैं वो समर सीजन में गर्मियों में विशेष करके अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, पतझड़ कर देते हैं. थर्ड टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो है वो है सेमी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, अर्थात जो है उप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अर्थात ये सदाबहार सदैव हरे भरे रहते हैं. दीज फॉरेस्ट आर ऑलवेज ग्रीन, हेंस दे आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट. ये हमेशा हरे भरे रहते हैं इसीलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है. दे आर फाउंड इन हिली रीजन्स ऑफ आबू. ये जो है खास करके आबू जो क्षेत्र है वहाँ के पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं. दे आर फाउंड ओनली इन द हाई हिली एरियाज. ये ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में ही मिलते हैं. मेनली मैंगो, बैम्बू एंड टीक आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. या ये जो पेड़ है मैंगो, बैम्बू एंड टीक, ये विशेष रूप से इनमें पाए जाते हैं. ये एक राजस्थान के किसी फॉरेस्ट का फोटोग्राफ आपकी बुक में दिया हुआ है जिसे आप देख सकते हैं. नेशनल पार्क्स. अब हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं कि इन फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ भी पाई जाती है, वन्य जीव पाए जाते हैं और उनको प्रोटेक्शन का भी जो है हमारे यहाँ पर पार्क्स बनाए गए हैं. नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं वन्य जीव अभयारण्य, तो उनके बारे में जानकारी. नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड रिजर्व फॉरेस्ट आर एस्टेब्लिश्ड टू सेफ गार्ड आर नेशनल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. हमारे यहाँ पर जो प्राकृतिक वनस्पति है और वन्य जीव हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जो है राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव मीन्स वन्य जीव अभयारण्य और आरक्षित क्षेत्र रिजर्व्ड एरिया जो हैं वो स्थापित किए गए हैं. अब हम नेशनल पार्क्स की बात कर रहे हैं तो केवलादेव नेशनल पार्क, तो हमारे यहाँ पर तीन नेशनल पार्क बन चुके हैं अब तक, केवलादेव, रणथंबोर एंड मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क. तो पहला है केवलादेव नेशनल पार्क. द केवलादेव घना बर्ड सेंचुरी इज सिचुएटेड इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. ये राजस्थान के भरतपुर में स्थापित किया गया है और इसका नाम जो है वो केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य भी है, या इसे केवलादेव राष्ट्रीय पार्क भी कहा जाता है. बर्ड्स लाइक साइबेरियन क्रेन, हेरोन, स्टॉक, क्वेल, कोयल, बीवर बर्ड एट्सेट्रा फाउंड हियर. ये विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं जो यहाँ पाए जाते हैं और यहाँ की जो मुख्य विशेषता वो ये है कि जो साइबेरियन क्रेन है वो साइबेरिया जो कि रूस का ऊपरी हिस्सा है वहां से उड़ करके ये हर साल जो है सर्दियों में यहाँ घना पक्षी विहार में बर्ड सेंचुरी में पहुंचते हैं. रणथंबोर नेशनल पार्क. दिस पार्क इज सिचुएटेड इन सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट. ये सवाई माधोपुर जिले में है जबकि केवलादेव भरतपुर में था, भरतपुर में है, था नहीं सॉरी है. रणथंबोर नेशनल पार्क सवाई माधोपुर में है. वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर, चीता, सांभर, ब्लू बग, क्रोकोडाइल एट्सेट्रा आर फाउंड हियर. यहाँ पर ये जानवर पाए जाते हैं. दिस पार्क इज फेमस फॉर द इंडियन टाइगर. ये भारतीय बाघ के लिए फेमस है. मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क. ये हमारा लेटेस्ट बना हुआ नेशनल पार्क है जो कि 2013-14 के आस में जो है इसको नोटिफाई किया गया और स्थापित किया गया.
दिस पार्क इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कोटा चित्तौड़गढ़, ये कोटा और चित्तौड़गढ़ जिलों में स्थापित है। वाइल्ड एनिमल्स लाइक द टाइगर, स्लोथ बियर, हाइना, जैकल, वुल्फ, सांबर, ब्लू बक, इंडियन गेजल आर फाउंड हियर। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स है जो यहाँ पर पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्य जीव अभयारण्य। द वर्ड सेंचुरी मीन्स फ्री फॉरेस्ट। सेंचुरी जो शब्द है, वर्ड है, उसका मीनिंग है फ्री फॉरेस्ट अर्थात मुक्त वन। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट सेफ। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्य जीव अभयारण्य, वे स्थान है जहाँ पर जो जानवरों को जो है सुरक्षित रखा जाता है और उन्हें जो है मुक्त वातावरण प्रदान किया जाता है। फॉर दिस पर्पज द गवर्नमेंट रिजर्व सर्टेन एरियाज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इस पर्पज के साथ, इस उद्देश्य के साथ सरकार जो है कुछ क्षेत्र को जो है वन्य जीवों के लिए आरक्षित कर देती है। देर आर 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन राजस्थान। राजस्थान में जो है 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। सम ऑफ देम हैव बीन मेंशन्ड इन द टेबल गिवन बिलो, और उनमें से कुछ जो है नीचे टेबल में मेंशन की गई है। देख लेते हैं, सबसे पहले डेजर्ट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जैसलमेर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट्स में है। और यहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्टेट बर्ड, वुल्फ, जैकल, फॉक्स, ब्लू बक, इंडियन गेजेल एटसेट्रा। सेकेंड इज केलादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सवाई माधोपुर और करौली डिस्ट्रिक्ट्स में है। और यहाँ पर ब्लैक पैंथर, वुल्फ, स्पॉटेड डियर, रैबिट आदि पाए जाते हैं। थर्ड इज कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये राजसमंद, पाली और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट्स में है। और यहाँ पर टाइगर, बियर, इंडियन गेजल, ब्लू बक एटसेट्रा आर फाउंड, ये जानवर यहाँ पाए जाते हैं, एनिमल्स। चौथा है फुलवारी की नाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उदयपुर में है। और यहाँ पर टाइगर, स्पॉटेड डियर, सांभर, जैकल आदि पाए जाते हैं। फिफ्थ इज सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरिस्का अलवर जिले में है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पर टाइगर, हिना, स्पॉटेड डियर, सांभर आदि पाए जाते हैं। सिक्स्थ इज टॉटगढ़ रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये राजसमंद, अजमेर और पाली तीन डिस्ट्रिक्ट्स में है। यहाँ पर पैंथर, फाल्कन, बियर, ब्लू बग, जैकल, स्लोथ बियर एटसेट्रा फाउंड है, ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में स्थापित है। यहाँ पर टाइगर, सांभर, फॉक्स, फ्लाइंग स्क्विरल, उड़ती हुई गिलहरी जो यहाँ की विशेषता है वो यहाँ पाए जाते हैं। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पर स्लोथ बियर, इंडियन गेजल, स्पॉटेड डियर, सांभर आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज रामगढ़ विषधारी नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पर जहरीला सांप, टाइगर, पॉइजनस स्नेक, टाइगर, स्लोथ बियर एक्सेट्रा फाउंड है, दे आर देयर। जमवा रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पर ब्लैक पैंथर, हाइना, जैकल, वुल्फ आदि जानवर पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो चंबल नदी के सहारे यहाँ की जो विशेषता है, खास करके घड़ियाल है, क्रोकोडाइल है, वुल्फ, जैकल और फॉक्स अन्य जानवर है जो यहाँ पाए जाते हैं। बिसाइड्स दीज देर आर, इनके अलावा कुछ और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जो कौन कौन सी हम देख लेते हैं। जवाहर सागर सेंचुरी, ये कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट्स में है। बंद बारेठा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भरतपुर में है। भैंसरोडगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये चित्तौड़गढ़ में है। इसके अलावा सवाई मानसिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो सवाई माधोपुर में है। वन वी आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केसर बाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। उसके अलावा जैसमंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बारा डिस्ट्रिक्ट में है। ताल छापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये चूरू में है। तो ये और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी, वन्य जीव अभयारण्य थे जिनकी जानकारी हमने ली। आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये स्टेट एनिमल चिंकारा है, ये वाइल्ड कैटेगरी में है। हमारे यहाँ पर दो वाइल्ड एनिमल्स है, दो वाइल्ड स्टेट एनिमल्स है, एक वाइल्ड कैटेगरी में है और दूसरा डोमेस्टिक कैटेगरी में। तो स्टेट एनिमल्स हमारे दो हैं, एक वाइल्ड कैटेगरी, एक डोमेस्टिक घरेलू पालतू। तो यहाँ पर वाइल्ड कैटेगरी में जो है वो चिंकारा, जिसका इमेज आप देख रहे हैं, और डोमेस्टिक कैटेगरी में हमारे यहाँ कैमल को स्टेट एनिमल का दर्जा दिया हुआ है। द रणथंभौर, सरिस्का एंड मुकुंद्रा हिल्स आर प्रोजेक्ट
टू प्रोटेक्ट द टाइगर इन राजस्थान। राजस्थान में टाइगर को बचाने के लिए जो है तीन प्रोजेक्ट्स हैं, रणथंबोर, सरिस्का एंड मुकुंदरा हिल्स। द केवला देव नेशनल पार्क एंड सांभर लेक वेटलैंड्स आर लोकेशन वेयर माइग्रेटरी बर्ड्स विजिट। केवला देव नेशनल पार्क और जो सांभर लेक है, सांभर की झील है, ये वेटलैंड्स हैं, आर्द्र भूमियां हैं, जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं, जो बाहरी क्षेत्रों से, बाहरी दूसरे देशों से यहाँ आते हैं बर्ड्स, उनके लिए रिजर्व हैं। देर आर 13 प्रोटेक्टेड एरियाज, हमारे यहाँ पर 13 संरक्षित क्षेत्र भी हैं। चिंकारा, इंडियन गेजेल जिसको बोलते हैं, इज द स्टेट एनिमल इन द वाइल्ड कैटेगरी, वेयर इज कैमल इज द स्टेट एनिमल इन डोमेस्टिक कैटेगरी, जो हम बात कर चुके हैं, इंडियन गेजेल, चिंकारा। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, अब इन वनों के संरक्षण के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। According to the National Forest Policy of 1952, amended in 1988, forest should be the 33% of the total land area. हम बात कर चुके हैं कि जो भारतीय भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय वन नीति है 1952 की, जिसका जिसमें 1988 में संशोधन किया गया, उसके अनुसार कुल क्षेत्रफल के 33% हिस्से पे वन होने चाहिए। In the State Forest Policy 2010 of Rajasthan, there was a target to cover 20% of the total land area with forest to maintain ecological and environmental balance along with the targets of achieving economic development of the citizen. हमारे राजस्थान सरकार की जो वन नीति 2010 में जारी की गई, उसके अकॉर्डिंग जो है 20% क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल के 20% भाग पर वन कवर लगाने की थी, वन आवरण करने के लक्ष्य रखा गया था, ताकि हम जो है इकोलॉजिकल जो है और एनवायरनमेंटल संतुलन, पर्यावरणीय संतुलन को बनाते हुए जो यहाँ के नागरिकों का विकास कर सकें। बट फॉरेस्ट कवर्ड एरिया इन राजस्थान इज ओनली 10% ऑफ द टोटल लैंड एरिया, लेकिन हमारे यहाँ जो वनावरण है वो केवल 10% है। द एरिया ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट इज डिक्रीज इन राजस्थान विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस एंड इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज। लेकिन हमारे यहाँ जो रिजर्व आरक्षित जो वन है उनका एरिया लगातार घटता गया, क्योंकि एक तो जागरूकता की कमी थी और दूसरा जो है हमने असंतुलित रूप से पेड़ों की कटाई की। प्रोटेक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ फॉरेस्ट इन राजस्थान इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो इन पेड़ों को और वनों को जो संरक्षित करे और इनको बढ़ाए। The state government and other organizations have initiated various projects and campaigns to protect forests and spread awareness among the masses. राज्य सरकार और विभिन्न संगठनों ने, different organizations ने काफी सारे जो program और projects initiate किए हुए हैं, जो कि वनों को बचाने के लिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए हैं। Cutting of trees in the forest area has been banned. वनों में जो है लकड़ी काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, पेड़ काटने पर प्रतिबंध है। A lot of work has been done for tree plantation, development of grazing grasslands and social forestry. बहुत सारा काम जो है पेड़ प्लांटेशन करने का, पौधारोपण करने का, और grasslands जो है उनका विकास करना, अर्थात चारागाहों का विकास करने का काम जो है, उसके अलावा सामाजिक वानिकी का जो काम है, social forestry जो है वो भी किया जा रहा है। इसमें जो हमारे यहाँ पर एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आफ्री एंड सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी, जो कि जोधपुर में है, उनको स्थापित किया गया है, और ये दोनों ही संगठन ऑर्गेनाइजेशन अपना काम बखूबी कर रहे हैं। द पर्पज ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज टू टेक रिसर्चेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन द एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज। इन दोनों संगठनों का एक और जो मुख्य कार्य है वो है कि राजस्थान चूंकि एक सूखा क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, ड्राई लैंड है, तो यहाँ पर किस प्रकार के जो है पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं, इन पर अनुसंधान का काम इन संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। चैप्टर में कुछ और उपयोगी बातें दी गई है। एक तो बड़ी महत्वपूर्ण घटना है जो खेजरली गांव की है, ये 1730 ईस्वी में घटित हुई, और यहाँ जो जोधपुर के महाराजा अभय सिंह थे, उनको महल के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी, तो उन्होंने अपने मंत्री गिरधर जो थे, गिरधर सिंह, उनको भेजा, तो वो खेजड़ली गांव से खेजड़ी काटने के लिए आ गए। लेकिन चूंकि हमारे वन राजस्थान जो है वन संरक्षण के लिए प्राचीन काल से ही जाना जाता रहा है, तो इस गांव के जो लोग थे उसमें अमृता देवी का नाम प्रमुख है, उन्होंने जो है इसको, जो गिरधर सिंह थे उनको पेड़ काटने से मना किया। जब वो नहीं मान रहे थे तो वो पेड़ों के चिपक गए, और अमृता देवी नहीं, कुल 363 गांव के लोग जो थे, महिला और पुरुष, वो पेड़ों के चिपक गए, और चिपक करके उन्होंने काटने से मना किया, लेकिन गिरधर सिंह ने जो है उनको
बड़ी निर्दयता के साथ पेड़ों के साथ उनको काट दिया। तो पेड़ों को बचाने के लिए मनुष्यों के द्वारा दिया गया बलिदान इतिहास में शायद पहला अनोखा और एक एक अनुकरणीय उदाहरण रहा है जो राजस्थान की भूमि से निकला। बाद में जब जोधपुर महाराजा को इसको खबर लगी तो उन्होंने जो है माफी मांगी और मंत्री को भी डांटा, और आज भी खेजरली में जो है उन लोगों की स्मृति में मेला आयोजित किया जाता है। एक डीए पार्क भी वहां जो है अमृता देवी की याद में स्थापित किया गया है। एवरी ईयर जो यह है विश्व का एकमात्र जो वृक्ष मेला है वो यहीं पर लगता है शुक्ल पक्ष दशमी को, और हिंदू मंथ जो है भाद्रपद का मंथ होता है, उस महीने की जो शुक्ल पक्ष की दशमी है वहां मेला आयोजित किया जाता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर थी पेड़ों के बलिदान को बचाने के लिए, और ये एक ऐसी घटना थी जो शायद बाद में जो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन हिमालयन क्षेत्र में चलाया गया था उसकी अग्रणी ये घटना रही है। इफ यू सी प्लांट्स, एक और जो बात जानकारी यहाँ दी गई है, इफ यू सी प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड योर हाउस देन डोंट फॉरगेट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इज वाटर देयर। आपको अगर आपके आसपास पेड़ पौधे हैं तो बड़ी काम की बात है कि आप उनको पानी पिलाना ना भूलें, उनको पानी पिलाते रहें, और पर्यावरण संरक्षण में जलवायु संतुलन बनाए रखने में आप अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें, और ये बात ध्यान रखें। तो ये था आपका चैप्टर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड इट्स कंजर्वेशन, आपको समझ में निश्चित रूप से आना चाहिए। और जो पर्यावरण संरक्षण का जो संदेश इस चैप्टर के माध्यम से दिया जा रहा है वो भी आपको समझना है, और राजस्थान की जो पर्यावरण संरक्षण की परंपरा है उसको बनाकर रखते हुए हमें जो है खूब सारे पेड़ लगाने हैं, वनस्पतियां लगानी हैं, और इनका संरक्षण भी करना है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।